गाइस कितनी बार आपने व्हाट्सएप पे कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स देखे होंगे जो ग्रीन टिक के साथ वेरीफाइड होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए ही पॉसिबल है? गलत। आज के डिजिटल युग में जब हर कोई ऑनलाइन बिजनेस या ब्रांड को ग्रो कर रहा है, ये ग्रीन टिक आपको भी मिल सकता है। हाँ, आपने सही सुना, आप अपने बिजनेस के लिए भी व्हाट्सएप पे ग्रीन टिक ला सकते हैं। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन टिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको भी चाहिए। सोचो आप अपने ब्रांड के कुछ प्रमोशनल ऑफर एक नंबर से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और यूजर वहां ग्रीन टिक देखता है, तो उसको ना यकीन होता है कि ये एक ऑफिशियल अकाउंट है। यही ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। और आज के टाइम में जब ट्रस्ट सब कुछ है, स्पेशली जब ऑनलाइन बिजनेस की बात हो, तो ट्रस्ट इज समथिंग जो कि हर कोई आपके बिजनेस के लिए चाहता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है जितना सुनाई देता है कि गए और ग्रीन टिक ले लिया। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे स्टेप्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। पर टेंशन मत लो, आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं और इस कोवेटेड ग्रीन टिक को आसानी से पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स या फॉलोअर्स आप पर और भी ज्यादा ट्रस्ट कर पाए, या आपको लगता है कि आपका बिजनेस या ब्रांड डिजर्व करता है कि वो वेरीफाइड हो, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इतना ही नहीं, मैं आपको एक सीक्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताऊंगा जो डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रीन टिक से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे ना, ये क्या हो सकता है? बता दूं, ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये आने वाले कुछ सालों में आपके करियर को पूरी तरह से बदल देगा। आप इस नॉलेज को यूज करके, आपको पता आप क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल, आप दूसरों को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो भी अपने बिजनेस के लिए इस ग्रीन टिक को पा सकते हैं। और इसके लिए लोग, खासकर बिजनेसेस, आपको हैप्पीली पे करेंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ ऐसा दे रहे हैं जो मार्केट में सुपर ट्रेंडिंग है और आने वाले टाइम की तो ये नेसेसिटी बन जाएगी फॉर स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस की। और अभी मार्केट में ना इसकी कोई अवेयरनेस भी नहीं है कि इसको करना कैसे होता है, मतलब ग्रीन टिक को लाना कैसे होता है। बस इसी अपॉर्चुनिटी का तो फायदा आपको उठाना है। और फिर जब आप एक बार एक्सपर्ट बन जाते हैं, वीडियो को देख लो, बन जाओगे, तो गाइस स्काई इज द लिमिट। सोचो, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, आपके पास क्लाइंट्स की ना लाइन लग जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके बिजनेस व्हाट्सएप में भी ग्रीन टिक दिखे। और वो ग्रीन टिक की नॉलेज किसके पास है? आपके पास। तो गाइस बन गई ना बात। तो गाइस तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट्स बांध लो और चलो इस यूनिक एक्साइटिंग बिजनेस जर्नी पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी से तो मोटिवेशन आता है इस टाइप के बिजनेस वीडियोस बनाने का, खासकर आप लोगों के लिए। नाउ, अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस ग्रीन टिक एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे पहले आपको इसके रूल्स एंड पॉलिसीज को कंप्लीट तरीके से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसके रूल्स के साथ, जो कि जानना बहुत 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 जरूरी है। फर्स्ट, आपका एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अकाउंट होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो एक व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के हेल्प से, जैसे कि इस वाली वीडियो में मैं लूंगा एआई सेंसी को। लेकिन याद रखें कि इस अकाउंट को बनाने के लिए आपके पास एक बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए और एक ऐसा नंबर भी, फोन नंबर, जो कि व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे ऑलरेडी एक्टिव ना हो। जब एक बार आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अकाउंट बन जाएगा, तो आपको सबसे पहले मिनिमम 1000 लोगों को इस नए नंबर से ब्रॉडकास्ट मैसेज करना होगा या उनको भेजना होगा। ये ग्रीन टिक की दूसरी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बस अकाउंट बना लिया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे तो काम खत्म। नहीं भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, मेटा बिजनेस पे जाके खासकर, क्योंकि ये एक मैंडेटरी स्टेप है और इसके बिना आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे ग्रीन टिक के लिए। एंड देन आपको टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी एनेबल रखना होगा, और ये भी एक मैंडेटरी स्टेप ही है, मान लो, ताकि कोई भी आपके अकाउंट का मिसयूज ना कर पाए। आफ्टर ऑल ग्रीन टिक वाली बात है ना।
अब आपकी वेबसाइट का SEO अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मामा अर्थ को सर्च कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आता है वो मामा अर्थ की वेबसाइट का है, तो इसे कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स, और जो रिजल्ट्स है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये होना आपकी वेबसाइट के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज की जरूरत है कि अगर ये बेनिफिट होगा, अगर आपके पास होगा तो, जैसे कि अगर आपके फेसबुक पे 10,000 से ऊपर फॉलोअर है तो आपकी ग्रीन टिक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये एक एड ऑन है कि हो तो फायदा वरना नहीं। अगर आपके पास फेसबुक फॉलोअर्स नहीं भी है तो भी आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। आपके बिजनेस के बारे में कम से कम 3 ऑर्गेनिक आर्टिकल्स या न्यूज स्टोरीज डिजिटली पब्लिश होनी चाहिए कुछ रेप्यूटेड मीडिया ब्रांड्स में, जैसे कि हो गया इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स या दूसरे और भी न्यूज पब्लिकेशंस अवेलेबल है, उनमें से कुछ में भी हो सकता है 3। नाउ इसमें आप लोकल न्यूज भी कवर कर सकते हो, मतलब लोकल न्यूज पब्लिकेशंस भी एक्सेप्टेबल होते हैं। ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि मीडिया में आपका नाम है और आप एक असली या लेजिट ब्रांड है। सिंपल सी बात है ना कि अगर आप मीडिया में हैं तो इसका मतलब कि आपका ब्रांड नेम जो है वो पॉपुलर है। एंड गाइज, लास्ट बट अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको जरूरत पड़ेगी एक व्हाट्सएप ऑथराइज्ड ऑफिशियल BSP यानी बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर की। ये BSP आपको सारे प्रोसेस में गाइड करेंगे, मतलब 0 से लेके A to Z पूरा, क्योंकि मेटा डायरेक्टली ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। और आज के वीडियो में जो हमारा BSP होगा वो है AI Sensei। इससे आपका प्रोसेस ना बिल्कुल स्मूथ होगा और चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपके एप्लीकेशन अप्रूवल के। और सबसे अच्छी बात, जहां काफी ब्रांड्स ग्रीन टिक अप्लाई करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, AI Sensei के साथ ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, मतलब ग्रीन टिक प्रोसेस 100% फ्री। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये थे इसके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता होना चाहिए था, एंड आई होप अब आपको वो क्लियर हो गया है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस ग्रीन टिक का क्या फायदा होता है, क्योंकि जब तक आपको फायदा नहीं पता चलेगा तब तक आप इसका वाइज यूज नहीं कर पाओगे। और आपको व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ ही काम क्यों करना चाहिए इस ग्रीन टिक के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रेडिबिलिटी। गाइस, जब किसी बिजनेस अकाउंट के पास वो ग्रीन टिक होता है ना, तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली समझते हैं कि भाई ये ब्रांड जो है एक लेजिटिमेट, एक जेन्युइन ब्रांड है। अपने आप से आपको भी आता है ना, मतलब एक ट्रस्ट वाली फीलिंग जब वो ग्रीन टिक व्हाट्सएप में देखते हैं कि हां रिप्लाई कर सकता हूं या लिंक क्लिक कर सकता हूं वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको पता तो होगा ही कि आजकल ऑनलाइन स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि कस्टमर्स थोड़े स्केप्टिकल फील करते हैं न्यू ब्रांड्स को ट्रस्ट करने में, लेकिन जब वो ग्रीन टिक देखते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है तो आपका बिजनेस नेम डायरेक्टली शो होता है कस्टमर्स के फोन में, भले वो नंबर आपका सेव करे ना करे कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि आपके ब्रांड आइडेंटिटी का और भी स्ट्रॉन्ग होना इस प्रोसेस से। अब बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की। सोचो गाइस, आप एक पार्टी प्लान कर रहे हैं और तो आप क्या सारा काम खुद ही करते हैं? नहीं ना, जैसे कि कैटरर, डेकोरेटर, ये सब आप हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जानते हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी है जिससे आउटकम पॉजिटिवली एंड टाइमली आए। सेम चीज यहां भी अप्लाई होता है एक BSP मेटा ऑफिशियल पार्टनर होने का। वो जानते हैं कि ग्रीन टिक को पाने के लिए क्या और कैसे करना है। ये BSP आपको सारा प्रोसेस A to Z तक हैंडल करने में हेल्प करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, बस सिंपल बिल्कुल आप इनके साथ लग जाओ और बाकी सारा काम ये संभाल लेते हैं। तो गाइस, अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि व्हाट्सएप ग्रीन टिक कैसे मिलता है और इसके क्या फायदे होते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं जो ध्यान में रखना है आपको। ग्रीन टिक मिलने के बाद भी कुछ बातें हैं जो आपको केयरफुल रह के हैंडल करनी पड़ेगी, वरना अप्रूवल के बाद भी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। गाइस, पहली बात तो यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रीन टिक मिल गया अब लाइफ सेट हो गई, तो गाइस रुक जाओ, ये ग्रीन टिक आपको व्हाट्सएप बिजनेस API के जरिए मिला है। तो अगर आपने अपने व्हाट्सएप बिजनेस API को ही डाउनग्रेड कर दिया, यानी पुराने वाले वर्जन पे आ गए, तो फिर अगेन आपका ग्रीन टिक गायब हो जाएगा इमीडिएटली। इसलिए सजेशन ये है कि ग्रीन टिक मिलने के बाद गाइस API को डाउनग्रेड मत करना, क्योंकि फिर वही पुरानी कहानी, सारी मेहनत, सारा टाइम, सब कुछ बेकार हो जाएगा, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा।
अब दूसरी जरूरी बात, अगर ग्रीन टिक मिलने के बाद आपने सोचा है कि ब्रांड नेम जो है आपका चेंज करना है, डिस्प्ले नेम चेंज करना है, तो आप भूल जाओ, क्योंकि आपका ग्रीन टिक गायब हो जाएगा। क्योंकि आपको ग्रीन टिक अलॉट हुआ था आपके स्पेसिफिक ब्रांड नेम के लिए, तो अगर उसी को ही चेंज कर दोगे तो नहीं चलेगा ना, व्हाट्सएप ये कहता है। तो मेरी मानो तो अगर आपको लगता है कि आगे जाके नाम बदलना पड़ सकता है, तो ये पूरा प्रोसेस तभी करना जब आपका नाम जो है वो फाइनल हो जाए। डिसीजन वाइजली लेना, क्योंकि बाद में फिर से पूरा प्रोसेस अगेन से करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से। नाउ आई होप गाइस कि व्हाट्सएप ग्रीन टिक से रिलेटेड मेजर इंफॉर्मेशन से आप पूरी तरह से वाकिफ हो गए हैं। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में कि कैसे आप AI सेंसी का यूज करके व्हाट्सएप ग्रीन टिक अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको AI सेंसी पे साइन अप करना होगा। याद रखें कि AI सेंसी आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है। उसके बाद अगर आपको लगे कि AI सेंसी आपको कंटिन्यू रखना है, तो आपको इसका प्लान लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको वहां से अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको AI सेंसी के डैशबोर्ड पे जाना होगा। यहां आपको व्हाट्सएप बिजनेस API के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप ग्रीन टेक के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अप्रूव्ड बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट ही अलाउड है ग्रीन टेक के लिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। स्टेप टू में आपको API अप्लाई करने के अलावा फेसबुक बिजनेस अकाउंट मैनेजर भी वेरीफाई करना होगा, उसके बिना भी आप ग्रीन टिक के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर को भी वेरीफाई करना होगा। स्टेप थ्री, अब जब आपके पास ये दोनों हो जाते हैं, अब आपको एक बार 1000 लोगों को मैसेज भेजना होगा अपने नए व्हाट्सएप से, 1000 ब्रॉडकास्ट कर लो या 1 by 1। फिर उसके बाद आप अप्लाई फॉर ग्रीन टिक, आपको ये बटन मिल जाएगा जो आपको ऑल स्टेप्स के सेक्शन में मिलेगा, जैसे कि यहां पर है। इस बटन पे क्लिक कीजिए, जो आपको व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट कर देगा। स्टेप फोर, अब आप एक फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस फॉर्म को ध्यान से आपको भरना है, सारी जरूरी डिटेल्स को फिल कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप यहां पर सबमिट कीजिए। स्टेप फाइव, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, दैट्स इट, योर जॉब इज डन। अब सिर्फ आपको इंतजार करना होता है मेटा के रिस्पॉन्स का। जनरली ये रिस्पॉन्स 7 से 10 दिनों में आ ही जाता है। तो गाइस ये था वो इजीएस्ट वे एवर टू गेट ग्रीन टिक फॉर व्हाट्सएप यूजिंग AI सेंसी। अच्छा एक बात आपको बता देता हूँ, डिमोटिवेट करने का कोई आपको पर्पस नहीं है, लेकिन एक डिस्क्लेमर भी सुन लो। ग्रीन टिक मिलना पूरी तरह से मेटा की मर्जी पे डिपेंड करता है। व्हाट्सएप बिजनेस API वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर का रोल इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके इस एप्लीकेशन को, ग्रीन टिक व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बस मेटा तक पहुंचाए। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के हाथों में ही होता है। लेकिन डोंट वरी, रिजेक्शन के एक महीने के बाद आप फिर से ग्रीन टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो बस गाइस, इतने स्टेप्स फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप ग्रीन टिक वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, बस थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और हाँ, प्रोसेस के बीच कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई सवाल होता है, तो आप AI एजेंसी को डायरेक्ट जाके उस पे आप उनसे बात कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। तो गाइस कंक्लूड करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए व्हाट्सएप ग्रीन टिक को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सीखने तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। सोचो कितने बिजनेस है बाहर जो इस ग्रीन टिक के पीछे पागल हो रखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनका प्रोसेस क्या है। यहां आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, अगर आप में से कुछ खुराफाती लोग हैं जो कर सकते हैं। आप इस नॉलेज का यूज करके एक नया सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि व्हाट्सएप ग्रीन टिक वेरिफिकेशन सर्विस मार्केट में धमाल मचा सकता है। आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं इस ग्रीन टिक के, और फिर उनको ये सर्विस ऑफर करके उनसे चार्ज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बिजनेसेस आर रेडी टू पे फॉर सच सर्विसेज, क्योंकि ये उनको क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट दिलाता है इस डिजिटल वर्ल्ड में। और जब आपके पास ये स्किल होगा ना, तो आप इजीली उन बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन प्रेजेंस को सीरियसली लेते हैं। तो आज जो आपने सीखा वो सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप इससे अपने करियर को बूस्ट दे सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक साइड हसल के तौर पे इसको स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस नॉलेज को कैसे यूज करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अपॉर्चुनिटीज तभी नॉक करते हैं जब हम ग्रैब करने के लिए रेडी होते हैं। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट।
तो गाइस तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलती है नेक्स्ट ऐसे कोई धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। टिल देन गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।